कि हमारे पास बहुत सारे भाई लोगों ने कहा कि जब पिस्टन सीज हो जाता है और जाम हो जाता है कनेक्टिंग डार्ट, तो उसको किस तरीके से निकाला जाता है। तो हमने आज इसी पर वीडियो बनाने की सोचा है, और इसीलिए हमने वैसी जब बाइक आई मेरे पास कि बाइक बिल्कुल पिस्टन सीज हो गया है और कनेक्टिंग राड में पिस्टन जाम है, तो किस तरीके से उसको निकाला जाता है कि जैसे पूरा इंजन ना खोले, बिना हाफ इंजन खोले ही, यानी हाफ इंजन खोल करके ही उसको पिन निकाल करके और पिस्टन पिन निकाल करके और उसी में ही उसको साफ करके, और किस तरीके निकालते हैं यह हम आपको बताते हैं। और उसी में हाफ इंजन का काम करके, यानी सिलेंडर का बोर करा दें, पिस्टन बोर करा दें सिलेंडर में, और हेड रिपेयर करा के और वो काम करा दें, ठीक। क्योंकि हर एक बाइक ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा चली हुई होती है, कुछ बाइक होती हैं कि 30,000-35,000 चली हुई होती हैं, उसमें हाफ इंजन का काम आ जाता है। और हाफ इंजन का जब काम कराएं, जब यानी पूरा इंजन यानी कम से कम 100,000 किलोमीटर के आसपास चल गई हो, तब तो ठीक है। अगर 30,000 चली हुई बाइक में अगर इंजन का काम होगा, तो वो उसमें कनेक्टिंग राड नहीं ख़राब होता मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो आज पिस्टन सीज है, इसलिए हम आपको वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखें मेरे दोस्त, देखिए ये ऐसा होता है अक्सर जब बाइक स्मोक करती है और उसमें जब ऑयल नहीं होता, तो पिस्टन ऐसे चलता है सूखा सूखा, इसलिए ये ऐसा सीज हो गया, और सीज हो गया है इसका, ये जाम है इसमें, निकालना भी मुश्किल। लेकिन देखें हम कैसे निकालते हैं। बहुत अच्छा, देखें मेरे दोस्त इस तरीके से, यानी यहाँ पर लगा, जैसे इस साइड लगाएंगे तो इसकी तरफ, कि यानी पिस्टन के चारों ओर से हम इसको लॉक कर दें, और पिस्टन पिन पे चोट मारें तो कनेक्टिंग राड पे चोट ना जा करके, और पिन यानी पिस्टन पे चोट लग करके और पिन निकल जाए बाहर, ठीक मेरे दोस्त। अच्छा, इसको सीधा करो इधर पर, हाँ ऐसे बिल्कुल सीधा रखना, ठीक। देखिए मेरे दोस्त, नल्ला जरा दिखाना मेरे दोस्त, देखिए ये इस तरीके से निकला है, ठीक। और अक्सर हमने हमेशा इसी तरीके से निकाला है, जितने भी पिस्टन रहे उतने, ठीक। फिर उसके बाद देखिए, अगर हम इसमें पिस्टन पिन नहीं डालेंगे तो जाएगा नहीं, ठीक। देखिए मेरे दोस्त, ये अंदर नहीं जाएगा, ठीक, जा रहा, ठीक, लेकिन ये थोड़ा फंसता है। तो इस जगह क्या करना है कि जैसे ये इसमें तो चला गया मेरे दोस्त, और ये थोड़ा टाइट है, यानी यहाँ पर, यानी ये टाइट है, तो इसमें इस बाइक में तो फिर भी ये ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन क्या होता है किसी किसी बाइक में ये जाम हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, गोल रेती लगा करके और महीन सरगमा लगा करके, और फिर उसके अंदर यानी हम प्रेस करते हैं यानी चलाते हैं, फिर ये सही हो जाता है मेरे दोस्त। इसका मीटर देख लीजिए आप, हैं, और इतनी चली हुई बाइक में हम पूरा इंजन खोलने का सजेस्ट नहीं करते कि पूरा इंजन खोलें, ठीक। और पिन निकालने के लिए मेरे दोस्त इसी तरीके होता है, और ये पिन यानी ये पिस्टन नया है, बोर करा लिया गया है इसमें, और हमने कहा इससे वीडियो बना देंगे, तब फिर आप यानी हम देखिए नई पिन है, और इसके अंदर थोड़ा सा फिर भी हम चाहेंगे कि महीन सा रिगमाल लगा करके और फिर उसके बाद इसको लगाएंगे, जिससे कि यानी आगे इसमें दिक्कत ना हो, पिन भी बढ़िया सॉफ्ट चले, कोई समस्या ना हो। तो मेरे दोस्त इस तरीके से यानी हाफ इंजन बनाने के जब भी हम सोचते हैं, तो जब बाइक यानी 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 चलती है, तो ज़्यादातर हाफ इंजन बनाया जाता है। 100,000 किलोमीटर या 100,000 से ज़्यादा चलती है, तब यानी पूरा इंजन खोलने के लिए सोचते हैं, नहीं उससे पहले इंजन जल्दी से नहीं खुलता मेरे दोस्त किसी भी बाइक का। और जब ये सीज होता है तो इसी तरीके कोशिश करते सही करते हैं, ठीक मेरे दोस्त। जो भी अनुभव था मेरे दोस्त, हमने चाहा कि आप सभी लोगों को बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।